मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ हकीकी लेकर आया हूं, जिसके अंदर जो खान साहब ने एक सब्ज बाग दिखाया था कि मैं नौजवानों को आगे लाऊंगा, मैं यूथ को आगे लाऊंगा, मैं नौजवानों का पाकिस्तान बनाऊंगा, इंशाल्लाह हम उस नौजवानों की जो था उसको लेकर चलेंगे। एक जानब हाफिज नईमुर रहमान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दूसरी जानब पीटीआई हकीकी के चेयरमैन राव यासिर इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान आप जो कह रहे हैं सर, पाकिस्तान के अंदर जो खान साहब विजन लेकर आए थे उसके ऊपर अगर आज अमल दरामद खान साहब करते तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ आज बहुत आगे होती। खान साहब ने वही इलेक्टिवल्स लिए, वही पुराने लोग लिए, वही चेहरे लिए, इसी वजह से आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं कि उसके अंदर से आज देखें कोई बंदा भी नहीं बचता। उसकी वजह यह है कि करप्शन, उनके अंदर से करप्शन, आप देखें बुशरा बीबी ने कितनी की जिस पे खान साहब ने आंखें अपनी बंद कर ली, इदारों के बार बार बताने के बावजूद खान साहब ने कान ना धरे। उसके अंदर से आज देखें कोई बंदा भी नहीं बचता। उसकी वजह यह है कि करप्शन, उनके अंदर से करप्शन, आप देखें बुशरा बीबी ने कितनी करप्शन की जिस पे खान साहब ने आंखें अपनी बंद कर ली, इदारों के बार बार बताने के बावजूद खान साहब ने कान ना धरे। इसके पीछे वामिल यह है कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो मोटिव था जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ हकीकी लेकर आया हूं, जिसके अंदर जो खान साहब ने एक सब्ज बाग दिखाया था कि मैं नौजवानों को आगे लाऊंगा, मैं यूथ को आगे लाऊंगा, मैं नौजवानों का पाकिस्तान बनाऊंगा, इंशाल्लाह हम उस नौजवानों की जो था उसको लेकर चलेंगे।